आखिरकार जंगल से निकलकर खेत में पहुंचे भालू को ट्रैंक्विलाइज कर पकड़ लिया गया। 12 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग की टीम भालू को पकड़ने में कामयाब रही। टीम ने भालू को पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगल में छोड़ दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपना रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। पूरा मामला यूपी के जिला बरेली का है। बरेली में तहसील है फरीदपुर। फरीदपुर मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित है पिपरथरा गांव, जहां पर शनिवार को भालू के घुस आने से दहशत फैल गई थी। दरअसल गांव में राजीव सिंह का 3 एकड़ का खेत है। इसमें इन दिनों केले की फसल लगी हुई है। शनिवार को गांव के लोगों ने उनके खेत में भालू को दौड़ते देखा तो डर के कारण उल्टे पैर गांव लौट आए और इसकी जानकारी पुलिस और वन विभाग को दी। सूचना पर मुख्य वन संरक्षक रोहिलखंड जोन ललित वर्मा अपने साथ पीलीभीत टाइगर रिजर्व की टीम लेकर मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। टीम ने ड्रोन से केले के खेत में भालू की लोकेशन ट्रेस करी, फिर खेत के चारों ओर चाल लगा दिया। इस दौरान ग्रामीणों और खासकर बच्चों को घर में रहने की हिदायत दी गई। इससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग भालू के डर से अपने अपने घरों में कैद हो गए। करीब 12 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग की टीम ने भालू को ट्रैंक्विलाइज कर लिया और उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। भालू पकड़े जाने की खबर जब ग्रामीणों को मिली तो उसे देखने के लिए मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को वहां से खदेड़ा भी। फिलहाल भालू को पीलीभीत टाइगर रिजर्व ले जाया गया है, जहां उसे जंगल में छोड़ दिया गया है। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। शुक्रिया।